सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू बनकर चैनो के पास आने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट उसे नहीं जाने देता। इसके बाद चैनो गोकू की आवाज़ सुन लेता है और उसे अंदर बुला लेता है, और सुपर सैयन इन्फिनिटी चैनो को बातों में फंसा कर उसकी पावर्स ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम गार्ड्स वहाँ आ जाता है और वो सुपर सैयन इन्फिनिटी को पहचान लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आपने कहा था कि स्टोरी छोटी बनी है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग लाइक सब कम करते हो, तो जितना आप सपोर्ट दिखाओगे आपके लिए उतनी ही स्टोरी इंटरेस्टिंग आएगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी ऊपर देख रहा होता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, डाइसिंगिन गार्ड्स, तुम लोग जैनोसामा को सेफ जगह पर ले जाओ। डाइसिंगिन कहता है, मगर सुप्रीम गार्ड, आपको मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इसे आसानी से संभालोगे, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को अकेला संभालूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मगर सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं अपनी लड़ाई में किसी की मदद नहीं लेता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से जाओ यहाँ से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप ठीक समझे। अब गार्ड्स और ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी अब भी ऊपर देख रहा होता है। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी की बॉडी में से एनर्जी तेजी से निकलने लगती है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम अब कितनी भी कोशिश कर लो यहां से नहीं भाग पाओगे। अब सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, तुमने मुझे टाइम देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। सुप्रीम गार्ड कहता है, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे, मगर तुम्हें समय किस लिए चाहिए था? इन्फिनिटी कहता है, था कि मैं चैनो की पावर्स को अपने अंदर फिट कर सकूं। सुप्रीम गार्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने चैनो की पावर्स ले ली? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी पर पंचेस करने लगता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी बड़ी आराम से बच जाता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारी स्पीड ऐसी ही रही तो मैं तुमसे आंख बंद करके भी लड़ सकता हूँ। तभी सुप्रीम गार्ड इन्फिनिटी पर और तेजी से पंचेस करने लगता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी आंख बंद करके भी बड़ी आराम से बच जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, जैनो की पावर्स ने इसकी बॉडी को बूस्ट कर दिया है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम लड़ने वाले भी हो या नहीं? तभी सुप्रीम गार्ड कहता है, अब तुम मरोगे। और सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी रेंज में आ जाता है। और इन्फिनिटी की रेंज इतनी भयंकर होती है कि सुप्रीम गार्ड के भी पांव टकटका जाते हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे कई गुना पावरफुल निकला, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकता हूँ, मैं इसे कैद करके ही रहूंगा। अब सुपर सैयन इन्फिनिटी और तेजी से रेंज में आ जाता है और सुप्रीम गार्ड खुद को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुपर सैयन इन्फिनिटी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ही शानदार और ताकतवर दिखाई देता है। उसके ओरिजिनल फॉर्म की वजह से बहुत ही बिजली तोड़ रही होती है। सुप्रीम गार्ड कहता है, ओह, तो ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म है, काफी पावरफुल है, मगर एक मॉर्टल कितना आगे जाएगा, तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी हंसने लगता है। तुमने क्या कहा, मॉर्टल? तुम्हें लगता है कि मैं मॉर्टल हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, क्या तुम भी इमॉर्टल हो? मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, क्योंकि मैं हेल का किंग हूँ। और तभी अचानक से सुपर सैयन इन्फिनिटी सुप्रीम गार्ड पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि सुप्रीम गार्ड को कुछ भी नहीं हुआ होता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी सुप्रीम गार्ड एक एनर्जी फीस्ट सुपर सैयन इन्फिनिटी के मारता है,
लेकिन सुपर सैयन इन्फिनिटी का बैरियर उसे बचा लेता है और तभी उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं मगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सुप्रीम गार्ड भी कहता है, ये तो बहुत पावरफुल है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे हो मगर मैं उतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हें हरा सको। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी रेज में आ जाता है और उसकी रेज से सुप्रीम गार्ड को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। सुप्रीम गार्ड कहता है, ये क्या, ये अब क्या करने वाला है, शायद ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा होता है और उसकी एनर्जी से मल्टीवर्स में दौड़ने लगता है। अब सीन जालमा पर जाता है और वो सुपर सैयन इन्फिनिटी की रेज को सेंस कर लेता है और कहता है, ये क्या, ये राइनर कर क्या रहा है। अब हमें 20,000 दिखाई देता है। नहीं, उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, मुझे बाहर आना ही होगा। अब 20,000 भी पूरी कोशिश करता है उस मैजिक से बाहर आने के लिए। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस कहता है, विश, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। विश कहता है, ऐसा लग तो रहा है। तभी ओरेकल फिश कहती है, क्या बात है, मुझसे पूछ लो। बीरस कहता है, नहीं, मैं तुमसे जब भी कुछ पूछता हूँ तो तुम बहुत भाव खाती हो और तुम्हारी आधी भविष्यवाणी गलत निकलती है। ओरेकल फिश कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें जितनी भी भविष्यवाणी बताई थी वो एकदम सच थी, भूल गए सुपर सैयन गॉड की भविष्यवाणी। बीरस कहता है, हाँ मुझे याद है, जब तुमने उसके बारे में बताया था तब भी वो आधी ही जानकारी थी क्योंकि सुपर सैयन गॉड जिंदा ही नहीं था और फिर मुझे एक नया सुपर सैयन गॉड क्रिएट करना पड़ा। ओरेकल फिश कहती है, जो भी हो लेकिन सुपर सैयन गॉड की बात तो सच थी ना। बीरस कहता है, ठीक है बताओ क्या बताना चाहती हो तुम। ओरेकल फिश बताती है, इस मल्टीवर्स में एक ऐसा शख्स हमला करेगा जिसके हमले से हर शख्स मारा जाएगा, फिर चाहे वो मोर्टल हो या इमोर्टल। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है ओरेकल फिश, तुम ये क्या कह रही हो। ओरेकल फिश कहती है, मैं सच कह रही हूँ और आप लोग अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। बीरस बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो भी हमें कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि गोकू हमें अपनी पावर से बचा लेगा। ओरेकल फिश कहती है, जी नहीं, उस शख्स के सामने गोकू भी कमजोर पड़ जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। बीरस अब शॉक्ड हो जाता है, वो विश की तरफ देखता है और कहता है, विश, तुम इस फिश को दरिया में फेंक कर आओ, ये कुछ भी बोल रही है। अब सीन सुपर सैयन इन्फिनिटी पर जाता है जो कि अब अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है। सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है, ये क्या, इसने तो खुद को अपग्रेड कर लिया है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो और अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। सुप्रीम गार्ड कहता है, गुलाम, और तुम्हारा हाँ सपने में भी नहीं, तुम्हें लगता है अपग्रेड होने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो। मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी जगह से हिला भी नहीं होता और सुप्रीम गार्ड के काफी सारे पंचेस लगने लगते हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, ये क्या, क्या ये इतना पावरफुल हो चुका है कि ये मुझ पर वार कर सके, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर अपनी सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करूंगा जिससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। सो हेलो गाइस, मैं वेजिटा आपका चहेता। दोस्तों वीडियो में मजा आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। सभी सपोर्ट करेंगे, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा।